जी अस्सलाम वालेकुम कैफोर, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर हमारा 78। स्टडी करने जा रहे हैं आज हम प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन का मतलब क्या है कि लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या है। आईने पाकिस्तान में कोई भी कानून बनाने का तरीकाकार क्या है, और हमने इसे पहले एक कंसेप्ट में स्टडी किया था कि जो लॉ मेकिंग पावर है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज है पाकिस्तान में, वो पार्लियामेंट है। शाबाश, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मतलब क्या है? नेशनल असेंबली और सेनेट, और फिर फाइनल अप्रूवल प्रेसिडेंट के। नेशनल असेंबली को कहा जाता है लोअर हाउस भी, सेनेट को कहा जाता है अपर हाउस भी, और कलेक्टिवली नेशनल असेंबली और सेनेट को बोथ हाउसेस कहा जाता है, बोथ हाउसेस। पार्लियामेंट में तो फिर प्रेसिडेंट भी ऐड हो जाएगा ना फाइनल अप्रूवल के लिए, प्रेसिडेंट के पास भी तो लॉ मेकिंग पावर है। तो पार्लियामेंट इज इक्वल टू बोथ हाउसेस प्लस प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट इज इक्वल, पार्लियामेंट को मजलिस ए शूरा भी कहते हैं। पार्लियामेंट इज इक्वल टू बोथ हाउसेज प्लस प्रेसिडेंट। बोथ हाउसेज से क्या मुराद है? नेशनल असेंबली और सेनेट। इन शॉर्ट, अगर मैं मुझसे कहे सर दो हरफी बात करें लॉ मेकिंग प्रोसेस, इन शॉर्ट, तो इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहूंगा कि कोई भी लॉ जो पाकिस्तान में बनता है वो दोनों हाउसेज से उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, यानी नेशनल असेंबली और सेनेट से, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट से अप्रूवल होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ये जहन में रखिएगा, लॉ ये कहता है कि आईन ये कहता है कोई भी लॉ नेशनल असेंबली से भी पास होगा, सेनेट से भी, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, दोनों हाउसेस से पास होगा। पहले किससे पास होगा, बाद में किससे पास होगा, ये लॉ ने मेंशन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बिल ओरिजिनेट होता है नेशनल असेंबली से तो पहले नेशनल असेंबली में पास होगा, फिर सेनेट में, फिर प्रेसिडेंट के पास। लेकिन अगर कोई बिल ओरिजिनेट होता है सेनेट से तो सेनेट से पास होगा, नेशनल असेंबली से पास होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास। यानी प्रोसेस में यह चीज इररिलेवेंट है कि ओरिजिनेट कहां से हो, जरूरी क्या है? अप्रूवल दोनों हाउसेस की हो, ठीक है। इसीलिए लॉ जब प्रोसेस बताता है ना तो वो कहता है इफ बिल इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वन हाउस एंड अप्रूव्ड इन दैट हाउस, देन सब्सिक्वेंटली इट इज सेंड टू अदर हाउस। तो बार बार जब आप किताब पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको अल्फाज मिलेंगे वन हाउस अदर हाउस, वन हाउस अदर, तो थोड़ा क्लैरिटी नहीं होती। क्लैरिटी के लिए आज के लेक्चर में हम वन हाउस अदर हाउस की बजाय हम वो अल्फाज इस्तेमाल करेंगे जो जो कि ज्यादातर केसेस में होता है। यानी ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि कोई भी कानून पहले नेशनल असेंबली में जनरेट होता है बिल, फिर सेनेट में जाता है, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट में। तो एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम नेशनल असेंबली की, लेकिन याद रखिएगा ये अदर वे भी कंसेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। अदर वे का मतलब क्या है कि पहले सेनेट में भी अप्रूवल हो सकती है और बाद में नेशनल असेंबली, ऐसे भी हो सकता है, और ऐसे भी हो सकता है पहले नेशनल असेंबली में अप्रूवल। तो बजाय ये कि मैं कंसेप्ट को जनरलाइज फॉर्म में समझाऊं, जनरलाइज का मतलब क्या है, ऐसे समझाना कि बिल इज पास इन वन हाउस देन इट इज सेंट फॉर अप्रूवल टू अनदर हाउस, इसके बजाय मैं क्या अल्फाज यूज करूंगा कि इफ बिल इज पास्ड इन नेशनल असेंबली देन इज सेंड टू सेनेट। लेकिन आपके जहन में यह बात रहे कि फर्स्ट हाउस कोई भी हो सकता है और अनदर हाउस भी कोई भी, फर्स्ट हाउस नेशनल असेंबली, अनदर हाउस सेनेट होगा। फर्स्ट हाउस सेनेट है तो अदर नेशनल असेंबली होगा, ठीक है। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव पढ़ते हुए जब आप देखेंगे ना, तो यहां पर मैं आपको नेशनल असेंबली और सेनेट के अल्फाज के साथ समझा रहा हूं। वहां पे लिखा होगा ओरिजिनेटिंग हाउस और अदर हाउस। ओरिजिनेटिंग हाउस से क्या मुराद है? वो बिल जिस हाउस ने ओरिजिनेट किया, स्टार्ट किया। जैसे कोई आइडिया नेशनल असेंबली के मेंबर के जहन में आया कि इस चीज के ऊपर कानून बनना चाहिए, तो अब इसका मतलब है ये बिल ओरिजिनेट होगा नेशनल असेंबली में और वहां से अप्रूवल के बाद सेनेट में जाएगा। और अगर कोई आइडिया किसी सेनेटर के जहन में आया तो बिल ओरिजिनेट होगा सेनेट में। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है? नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट होता है और फिर सेनेट में जाता है। इसलिए मैं ज्यादातर वाला केस लेके स्पेसिफिक अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कंसर्ट पढ़ाऊंगा। लेकिन जब आप किताब पढ़ें तो ध्यान में रखिए कि वहां पे जन, और अगर एग्जाम में पूछ ले
जनरली पूछ ले कि बताइए प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन क्या है, तो आपने उसी तरह ओरिजिनेटिंग हाउस और अदर हाउस के टर्म के साथ कंसेप्ट लिखना है, लेकिन आपके जहन में क्लियर होना चाहिए ओरिजिनेटिंग हाउस का मतलब क्या है, नेशनल असेंबली, और अदर हाउस का मतलब क्या है, सेनेट। भाई यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं? अच्छा अब चले आगे चल रहे हैं। आज का जो कंसेप्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं यह है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब है स्टेप वन में ये होगा, फिर स्टेप टू में ये होगा, स्टेप थ्री में ये होगा। या ये याद करना प्रॉब्लम नहीं होती, सिर्फ समझना प्रॉब्लम होती है। अगर समझ लग जाए तो फिर बड़ी आसानी के साथ आप इवन बगैर पढ़े क्लास के एंड पे खुद भी बता सकते हैं कि प्रोसेस क्या होगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप होता है ना, जो स्टेप बाय स्टेप चीजें लिखी हो ना वो याद करना आसान होती है, उनको सिर्फ समझना प्रॉब्लम होता है थोड़े से। तो आप पूरी अटेंशन के साथ फोकस्ड होके आपने सीखना है कि मैं क्या चीजें समझा रहा हूं। ठीक, सबसे पहला लॉ मेकिंग प्रोसेस क्या सीखने जा रहे हैं, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। पाकिस्तान में कोई भी कानून, जैसे फर्ज कीजिए इसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा चैप्टर पढ़ना है, चैप्टर 14 मनी लॉन्ड्रिंग, कोई मनी लॉन्ड्रिंग का लॉ पास होना है, उसका तरीकाकार क्या होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा। प्रोसेस को तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, प्रोसेस को तीन हिस्सों में। पहला, व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन तो क्या प्रोसेस होगा। दूसरा, व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन तो क्या प्रोसेस होगा। और तीसरा, अगर मनी बिल है तो क्या प्रोसेस होगा। प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन तीन तरह से बताया गया है, कितने तरह से, कौन कौन से, व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, व्हेन इन केस ऑफ मनी बिल। एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूरे प्रोसेस के बारे में भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में आपको बताता है कि बताओ क्या होगा प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। पार्ट ए में कहेगा व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, और पार्ट बी में कहेगा व्हेन नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, और कभी कहेगा व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन इन केस ऑफ मनी बिल। तो सबसे पहले आपने एग्जाम के क्वेश्चन में देखना है कि उसने प्रोसेस कौन सा पूछा है, जब नेशनल असेंबली सेशन में है तब का पूछा है, या जब नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन में है तब का पूछा है, या मनी बिल का पूछा है। सबसे पहले ये डिसाइड करना, क्लियर। अच्छा अब कंसेप्टली समझ लें कि नेशनल असेंबली इन सेशन और नॉट इन सेशन का मतलब क्या है। नेशनल असेंबली के जो इजलास होते हैं ना, ये उन्होंने लॉ में लिखा हुआ है कि ये साल में शायद चार या पांच दफा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन कोई मिलती जुलती टाइम है कि चार या पांच दफा, फर्ज कीजिए चार दफा लिखा, चार दफा होंगे। अब जो नेशनल असेंबली का स्पीकर होता है कि चेयरमैन होता है, क्या कर पढ़ा था कल, नेशनल असेंबली का जो स्पीकर है वो डिसाइड करेगा कि इजलास कब होना है। ठीक है, वो कहेगा फॉर एग्जाम्पल पिछले इजलास हुआ था, पिछला इजलास हुआ था, ये क्या महीना चला, जुलाई का है, हाँ अप्रैल को हुआ था। तो अब उसने कहा कि जी अब अगला इजलास बुलाना चाहिए, तो कौमी असेंबली का 220वां इजलास अब 30 जुलाई को सुपहर 3 बजे होगा। अब जब ये इजलास होता है ना, तो उसमें जो भी कवानीन डिस्कस होते हैं सारे के सारे एक ही सिटिंग में डिस्कस नहीं हो जाते, सारे के सारे एक ही सीटिंग पे। वैसे आजकल खबर भी चल रही है, आपको पता है अगला नेशनल असेंबली का इजलास कब है, नेशनल असेंबली का इजलास कब है, पिछला कब हुआ था जिसमें प्राइम मिनिस्टर है, उसके बाद भी हुआ था, हाँ। तो डिसाइड किया, अच्छा नेशनल असेंबली का इजलास अगर है तो वो सारे के सारे मैटर्स एक ही सीटिंग में डिस्कस नहीं हो जाते। तो अगर इजलास हुआ ना, तो वो कुछ मैटर्स 30 तारीख को 30 जुलाई को डिस्कस होंगे, कुछ 31 जुलाई को, कुछ 1 अगस्त को, यानी 3-4 दिनों में एक पूरा इजलास कंप्लीट होता है इजलास। ठीक है, जब हम कहते हैं ना नेशनल असेंबली इज इन सेशन, इसका मतलब है वो दिन जब नेशनल असेंबली का इजलास हो रहा है, और जब हम कहते हैं नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन, इसका मतलब है वो दिन जब ये इजलास नहीं, क्योंकि नेशनल असेंबली का इजलास रोज रोज नहीं होता, वो तकरीबन हर 2.5-3 महीने के बाद होता है इजलास। 130 डेज के अंदर एक इजलास होना जरूरी है, 130 डेज के अंदर एक दफा इजलास होना उसका जरूरी है। तो वो जब इजलास होगा तो मे भी एक दिन में सारी चीजें डिस्कस हो जाए, मे भी 2 या 3 दिन लग जाए, लेकिन उन 2 या 3 दिन को हम एक ही इजलास कंसिडर करेंगे।
तो इसका मतलब यह हुआ, अगर शुरू के 5 दिन हो गए तो बाकी के जो 125 दिन हैं, यानी अगला इजलास होने से पहले का टाइम पीरियड, इसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? नेशनल असेंबली इज नॉट इन सेशन। ये फर्क समझ आ गया? अब सुने, अगर नेशनल असेंबली सेशन में है, व्हेन नेशनल असेंबली इज इन सेशन, तो कोई भी कानून पास करना है, बिल पास करना है, कहां प्रेजेंट किया जाएगा? सबसे पहले नेशनल असेंबली में, एज्यूमिंग मीटिंग हाउस ये है, नेशनल असेंबली में पास किया जाएगा। नेशनल असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया, अब क्या होगा? सेनेट। अब ये देखिए, नेशनल असेंबली इज इन सेशन का मतलब समझ आ गया? तो जब नेशनल असेंबली सेशन में है तो बिल नेशनल असेंबली में प्रेजेंट किया जाएगा, नेशनल असेंबली इसको अप्रूव करेगी, बिल किधर जाएगा? सेनेट। सेनेट में जब बिल जाएगा तो 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटीज, सेनेट ने इसको एज इट इज अप्रूव कर दिया। दूसरी पॉसिबिलिटी, सेशन ने इसे डिसअप्रूव कर दिया, या 90 डेज में अप्रूव नहीं किया। 90 डेज में अप्रूव ना भी करे ना, तो फिर भी समझा जाता है सेशन ने इसको, सेनेट ने इसको डिसअप्रूव कर, रिजेक्ट कर दिया। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सेनेट ने इसे अप्रूव किया हो अमेंडमेंट के साथ। जरा फिर बताइए, एक बिल ओरिजिनेट होता है ओरिजिनेटिंग हाउस में, वहां पे अप्रूवल होने के बाद किधर जाएगा? अनदर हाउस में। अनदर हाउस में 3 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन, अप्रूव एज इट इज। दूसरी ऑप्शन, अप्रूव विद अमेंडमेंट। या तीसरी ऑप्शन, नॉट अप्रूव, या रिजेक्टेड, या नॉट अप्रूव्ड विद इन 90 डेज। अगर सेनेट 90 डेज में इसको अप्रूव नहीं करता तो समझा जाता है सेनेट की तरफ से ना ही है, सेनेट की तरफ से ना। 3 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है? या तो सेनेट पास करेगा इसे विदाउट अमेंडमेंट, या सेनेट पास करेगा विद अमेंडमेंट, या सेनेट रिजेक्ट कर दे, या डज नॉट पास विद इन। रिजेक्ट में और डज नॉट पास में फर्क है ना। रिजेक्ट का मतलब क्या है? सेनेट ने कह दिया हमने इसको पढ़ा है और ये फारग है बिल, इसको नहीं पास होना चाहिए, यह है रिजेक्ट कर दिया। और डज नॉट पास का मतलब क्या है? भाई 90 दिन तक सेनेट साइलेंट है, 90 दिन तक सेनेट साइलेंट है, उसने ना इसके ऊपर कुछ कमेंट ही नहीं किया, तो अज्यूम किया जाएगा 90 दिन के बाद रिजेक्टेड है। मुझे याद है ऑफर में भी इसी तरह होता था ना, जब हम किसी को ऑफर करते थे और वो हमें रीजनेबल टाइम पीरियड में जवाब नहीं देता था, तो हम क्या अज्यूम करते थे? कि एक्सेप्टेड है, नॉट एक्सेप्टेड है। तो 90 दिन तक अगर सेनेट ने अप्रूव नहीं किया तो रिजेक्टेड। 3 पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई। अब इनको आगे डिस्कस। सबसे पहले बेस्ट गुड सिचुएशन क्या? नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, सेनेट के पास आया, सेनेट ने अप्रूव किया विदाउट अमेंडमेंट, किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास भी ऑप्शन है क्या? अप्रूव करे या ना करे। क्या ऑप्शन है प्रेसिडेंट के पास? अप्रूव करे। अगर तो प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट ने 10 दिन के अंदर अंदर फैसला करना होता है। अगर तो प्रेसिडेंट 10 दिन के अंदर अंदर अप्रूव कर दे तो ये क्या बन जाएगा? बिल। जो अभी तक बिल था, जैसे ही प्रेसिडेंट ने साइन किए, एक्ट बन गया। और अगर प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता, प्रेसिडेंट अप्रूव नहीं करता, तो ये बिल जाएगा जॉइंट सीटिंग में। जॉइंट सीटिंग से क्या मुराद है? जॉइंट सीटिंग से मुराद है ऐसा इजलास मुश्तरका जिसमें सेनेटर्स भी बैठेंगे और नेशनल असेंबली भी बैठेगी, और इसमें ज्यादा चांसेस यही है अप्रूव हो ही जाएगा, क्योंकि पहले जाहिर होने से अप्रूव होकर आया हुआ है ना। तो इसका मतलब है प्रेसिडेंट किसी मैटर को डिले तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई कानून पास हो जाए तो उसे फौरी रिजेक्ट नहीं कर सकता। बिखले वो आपने देखा, मुझे गवर्नर की समरी आती थी उसके पास, वो रिजेक्ट कर देते थे डिले, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नर बदल गया ना। तो ये एक एग्जांपल है कि प्रेसिडेंट इस अथॉरिटी के मुताबिक चीजों को डिले तो कर सकता है, लेकिन जब वो अप्रूव नहीं करता तो वो बिल किधर जाता है? जॉइंट सिटिंग। किसकी जॉइंट सिटिंग में? बोथ हाउसेस की। और अगर वहां पे अप्रूव हो जाए, वहां पे अप्रूव हो जाए, तो फिर दोबारा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और अब की बार प्रेसिडेंट नॉट अप्रूव नहीं कर सकता, उसे अप्रूव करना ही करना पड़ेगा, वरना उसके ऊपर आर्टिकल 6 लग जाएगा कि उसने आईन के खिलाफ गद्दारी अप्रूव कर। भाई ये बात समझ आ गई? पहली दफा प्रेसिडेंट के पास बिल आया ना, उसके पास ऑप्शन है चाहे अप्रूव करे चाहे नॉट अप्रूव करे, लेकिन जब जॉइंट सीटिंग से अप्रूव होके आ गया
अब रूम करना ही करना है, क्लियर? फिर से बताइए, कोई भी बिल, अब मैं किताब वाली वर्डिंग यूज कर रहा हूं, बिल ओरिजिनेट हुआ एक हाउस में, ओरिजिनेटिंग हाउस से अप्रूवल के बाद वो किधर जाएगा? अदर हाउस में। अदर हाउस अगर उसे अप्रूव कर देता है विदाउट अमेंडमेंट, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट अगर इसे अप्रूव कर देता है, एक्ट बन जाए। अगर प्रेसिडेंट इसे अप्रूव नहीं करता, जॉइंट सिटिंग के पास जाएगा। अगर जॉइंट सिटिंग इसे अप्रूव कर दे तो फिर प्रेसिडेंट, और अब प्रेसिडेंट को अप्रूव करना ही पड़ेगा। और अगर जॉइंट सिटिंग इसे अप्रूव ना करे तो फिर इसका मतलब वो खत्म होगी कहानी फिर। क्लियर? अब वापिस चलते हैं। अब वो रास्ता जो हमने अब डिस्कस नहीं किया, ये वाला रास्ता डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाली ऑप्शन विद, अब विद अमेंडमेंट, विद अमेंडमेंट। नेशनल असेंबली में अप्रूव हुआ बिल किधर जाना है? सेनेट ने इसे पास तो किया लेकिन कुछ अमेंडमेंट के साथ। बताइए, अब अमेंडमेंट के साथ पास किया तो इसे डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चला जाना चाहिए कि नेशनल असेंबली के पास दोबारा अप्रूवल के लिए जाना चाहिए? क्योंकि अब इस बिल में कुछ ऐसी चीजें आ गई हैं जो पहले नहीं थी, जो पहले नहीं थी, तो ये बिल दोबारा नेशनल असेंबली के पास जाएगा। अगर नेशनल असेंबली इन अमेंडमेंट्स को अप्रूव कर देती है कि सेनेटर्स ने बड़ी अच्छी वैल्यू एडिशन की है, अप्रूव कर देती है, तो फिर ये किधर जाएगा? और फिर वही कहानी, क्या प्रेसिडेंट के पास 10 दिन है, 10 दिन के अंदर अप्रूव भी कर सकता है, नॉट अप्रूव भी कर सकता, अगर अप्रूव करेगा, अगर अप्रूव नहीं करता जॉइंट सेटिंग, और जॉइंट सेटिंग में अप्रूव हो गया तो लाजमी करना पड़ेगा। क्लियर? नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली से सेनेट, सेनेट से विद अमेंडमेंट नेशनल असेंबली। अब सुने, नेशनल असेंबली ने कहा सेनेटर फारिग है, ये कितनी घटिया चेंज करके हमारे पास भेज दिया, हम इस अमेंडमेंट को नहीं मानते नेशनल असेंबली, तो क्या होगा? जॉइंट सेटिंग। और बाकी कंसर्ट वही कि अगर जॉइंट सेटिंग अप्रूव कर देती है तो, अगर जॉइंट सेटिंग अप्रूव नहीं करती तो रिजेक्टेड। अभी बात समझ आ गई? अब तीसरा रास्ता, तीसरा रास्ता कौन सा है? नेशनल असेंबली से पास हुआ, नेशनल असेंबली से सेनेट में गया, सेनेट ने इसे रिजेक्ट किया या 90 डेज में पास? अब जरा सोचिए, बताइए क्या होना चाहिए? जॉइंट सेटिंग। जॉइंट सेटिंग में अगर अप्रूव कर देते हैं तो प्रेसिडेंट के पास, तो याद रखिए जॉइंट सेटिंग में जब अप्रूवल हो जाए फिर प्रेसिडेंट वापस नहीं भेज सकता। अब इसका मतलब है प्रेसिडेंट को 10 दिन के अंदर अंदर नहीं पड़ेगा। भाई ये तीनों चीजें समझ आ गए? ये मेन प्रोसीजर यही था। इसमें सिर्फ एक चीज का आपने ध्यान रखना है, ओरिजिनेटिंग हाउस और अदर हाउस। जेहन में आपके चल रहा हो नेशनल असेंबली की बात हो रहा है, लेकिन लिखना क्या है? ओरिजिनेटिंग हाउस। जेहन में आपके पता हो कि सेनेट की बात हो रही है, लिखना क्या है? अदर हाउस। आगे चले, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को हमने तीन हिस्सों में क्लासिफाई किया था। पहला इन सेशन, दूसरा क्या था? नॉट इन सेशन। भाई अगला इजलास होना है 2 महीने के बाद, अगला इजलास कब होना है? 2 महीने के बाद। लेकिन कोई ऐसा मैटर है जिस पे फौरन अप्रूवल की जरूरत है, IMF ने कहा भाई लोन चाहिए ना, लोन तो ये कानून पास करो, हमने कहा लोन चाहिए और अभी के अभी चाहिए, अब क्या 2 महीने का इंतजार करें? एमरजेंसी सिचुएशन है। लॉ ने प्रेसिडेंट को पावर दी है, और जो पार्लियामेंटेरियंस है ना, पार्लियामेंटेरियंस का मतलब क्या है? जो सेनेटर, ये प्रेसिडेंट की इस पावर से बहुत जलते हैं। क्यों जलते हैं? सच में जलते हैं। क्यों जलते हैं भला? वो कहते हैं भाई हम लिफ्ट ही नहीं करवाई, और बाले बाला का इसी काम के लिए तो हम आते हैं, और असल में ना ये लॉ पास होने के वोट होता है, ये होता है, तो वो कहते हैं भाई प्रेसिडेंट खुद ही पास कर रहा है, हमारी कोई अहमियत ही नहीं। ये लॉबिंग होती है बकायदा, कोई भी कानून पास करवाना हो तो समटाइम्स, तो बहरहाल, लेकिन लॉ ने पावर दी है तो सो प्रेसिडेंट एक्सरसाइज कर सकता है इसको। पावर क्या है? कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो, इमरजेंसी हो वाकई, और कोई लॉ फौरी तौर पे पास करना हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। क्या पावर है? कि वो एक कानून पास कर दे, उस कानून को क्या कहेंगे? ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो तीन अल्फाज हैं, अगर तीन अल्फाज में आपको फर्क समझ आ गया ना तो आपको प्रोसेस कुछ समझ आया। तीन अल्फाज क्या है? बिल, एक्ट और ऑर्डिनेंस। फर्क पता ना? अप्रूवल से, पार्लियामेंट से अप्रूवल से पहले पहले बिल, और अप्रूवल के बाद एक्ट,
और जब नेशनल असेंबली सेनेट ने अप्रूवल की ही नहीं, प्रेसिडेंट ने अपने साइन से कोई लाभ ना लिया, ऑर्डिनेंस। तो पावर तो है प्रेसिडेंट के पास, क्या ऑर्डिनेंस इमरजेंसी सिचुएशन में इशू कर सकता है। लेकिन दो चीजें ध्यान में रखनी है, पहली चीज ये पावर सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट को यूज करनी चाहिए, और दूसरा ऑर्डिनेंस बन गया ये उतना ही वैलिड है जितना एक्ट, यानी इसके लीगल स्टेटस में कोई फर्क नहीं है, लेकिन इसका वैलिडिटी पीरियड है 120 दिन। 120 दिन के अंदर अंदर, 120 दिन के अंदर अंदर इसको नेशनल असेंबली से और सेनेट से अप्रूव करवाना है। इसीलिए हर ऑर्डिनेंस जरूरी है 120 दिन के अंदर अंदर कहां भेजा जाए, पास कर लें इफेक्टिव भी होगा, लेकिन 120 दिन के अंदर अंदर नेशनल असेंबली। अगर 120 दिन के अंदर अंदर इसे नेशनल असेंबली में नहीं भेजा तो 121वें दिन क्या होगा, खत्म, नल एंड वॉइड। 120 दिन तक इफेक्टिव है, 121वें दिन वॉइड हो गया। अभी भी कोई, अच्छा एक मिनट, इन्होंने एक प्रैक्टिकल पॉइंट उठा लिया कि अभी भी कोई ऑर्डिनेंस है जो चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल एनआरओ, और एग्जाम्पल दीजिए, एक कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 होता था, और एग्जाम्पल दीजिए, एक बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस 1962 भी होता है, एक इंश्योरेंस ऑर्डिनेंस 2001 भी है। अब घर जाके जितने भी ऑर्डिनेंस है ना, आपने काम करना है, घर जाके जितने भी ऑर्डिनेंस है आपने ये देखना है वो किस साल पास हुए, वो जिस साल पास हुए होंगे ना उस साल मार्शल लॉ लगा होगा, नोट कर लीजिए। और जब मार्शल लॉ लगता है तो जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो क्या कहता है, वो कहता है आइन क्या है, कागज का एक टुकड़ा, कागज का, वो कहता है मैंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया। 120 दिन, 121 दिन है किसी की मिजाज जो कहे कि इसका लीगल स्टेटस नहीं है कोई, सारे एमएनएस एमपी अव्वल तो वो होते नहीं है, उसके सारे फौजी होते हैं। लेकिन अगर कोई हो भी, जैसे कोई इलेक्शन वगैरह करवा के, रेफरेंडम वगैरह करवा के, तो वो कौन होते हैं, वही जो जी हजूरी करने वाले हैं, कहते हैं नहीं नहीं सर वो ऑर्डिनेंस वो आइन में लिखा हुआ है ना, आपने तो आइन को ही मुअत्तल कर दिया। तो जब आइन को ही मुअत्तल कर दिया तो ये सारा प्रोसेस भी होता है, फिर सिर्फ प्रेसिडेंट ने जो साइन कर दिए वही और चलता रहता है। अच्छा अब इसमें लेकिन एक अगला सवाल भी है कि जब मार्शल लॉ खत्म हो जाता है उसके बाद तो इसको पार्लियामेंट से अप्रूव, लेकिन पार्लियामेंट ये कहती है 20 साल हो गए हैं उसी ऑर्डिनेंस के मुताबिक फैसले हो रहे हैं, तो अब हमने इसमें से क्या चेंज कर लेना है, अब इसमें से क्या चेंज, ऐसे ही चलने दो इसको। तो पार्लियामेंट भी ऐसे ही, एकदम मुझे याद है कुछ साल पहले किसी वकील ने ये इशू उठाया था कि पाकिस्तान में जितने भी ऑर्डिनेंस है या तो वो फौरी तौर पर पार्लियामेंट से अप्रूव करवाए जाए या उनको नल एंड वाइड करार दिया जाए। उसने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी और मेरा हालांकि रिजेक्ट हो गई थी, वो उसके ऊपर कोई ऑर्डर आया था कि ऐसा होना चाहिए लेकिन फिर उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। बहरहाल तो आइन क्या कहता है, जो भी ऑर्डिनेंस पास हुआ और 120 डेज के बाद ऑर्डिनेंस फारिग। हाँ तो देखिए वो हमने ये स्टडी किया है कि अगर प्रेसिडेंट ना हो तो उसकी जगह पे एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन होता है भला, सेनेट का चेयरमैन, तो ये सारी पावर उसके पास आ जाएगी, वो भी ऑर्डिनेंस कहलाएगा, पावर जो लाने दे दी उसको वो भी ऑर्डिनेंस कहलाएगा। हाँ अब देखें क्या ये 120 डेज आगे पीछे हो सकते हैं, यस। इसमें दो बातें हैं, दोनों बातें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहली चीज अगर 120 दिन गुजर गए तो नेशनल असेंबली चाहे तो इसकी एक्सटेंशन मजीद दे सकती है 120 दिन के लिए, और 120 दिन वो कहे सर अभी हम पढ़ रहे हैं अभी सही तरह समझ नहीं आई कुछ थोड़ा सा टाइम, उनका ठीक है एक्सटेंड कर दो 120 दिन। लेकिन अगर इस ऑर्डिनेंस की जल्दी समझ आ, भाई जल्दी भी तो समझ आ सकती है, कोई सवाल मुश्किल होता है कोई आसान भी तो होता है, 70 दिन के बाद इन्हें पता चले कि ये ऑर्डिनेंस तो बिल्कुल फारग है, तो ये 120 दिन से पहले इसको नेशनल असेंबली इसको डिसअप्रूव भी कर सकती है, यानी ये ऑर्डिनेंस 120 दिन है नॉर्मली इसका वैलिडिटी पीरियड, लेकिन एक्सटेंशन भी हो सकती है अगर नेशनल असेंबली 120 दिन तक लिए, और अर्लियर डिसअप्रूव भी हो सकता है। अगर अर्लियर डिसअप्रूव कर दिया नेशनल असेंबली ने 70वें दिन, तो 71वें दिन ही इसका स्टेटस जीरो है ना, स्टैंडर्ड पीरियड 120 दिन है, लेकिन ऊंच नीच हो सकती है। ऊंच का मतलब क्या है, एक्सटेंशन कितने दिन तक 120, और नीच का मतलब क्या है, क्या है मतलब
कि वो अर्लियर नेशनल असेंबली इसको डिसअप्रूव कर दे, तो अर्लियर डिसअप्रूव किया तो क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास करके फोर्थ हो जाए तो वो उसकी पर्सनल डॉक्यूमेंट थोड़ी है कि जो उसके साथ ही फोर्थ हो गई, वो ऑर्डिनेंस तो रहेगा, ऑर्डिनेंस तो रहेगा, वो ऑर्डिनेंस तो दूर की बात है। अगर एक आम इंसान भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करके फोर्थ हो जाए तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ थोड़ी फोर्थ हो जाता है, वो तो वाली वारसान पूरा करते ना, स्टेट एक्सेप्शन टू दिस रूल, इसकी एक्सेप्शन थी, बताएं एक्सेप्शन यहाँ भी खत्म। हाँ शाबा, हाँ बताओ बताओ, मेरा भी इस्लाम कहना एक्सेप्शन बताओ क्या है, किसकी एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन बता दे भाई, एक्सेप्शन बता। हाँ नॉर्मल रूल ये है कि जब किसी की डेथ होती है ना तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है और वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने शाबा पूरा करना होता है, लेकिन वो कौन सा केस है जिसमें डेथ हुई तो कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म? पर्सनल, एक और एक्सेप्शन थे, एक पर्सनल नेचर है, तो दूसरा व्हेन पार्टीज हैव एग्रीड टू डू सो, कि प्रोमिसर ही परफॉर्म करेगा, नहीं रिवीजन नहीं कर रहा, तो इसमें भाई प्रेसिडेंट मर भी गया ना ऑर्डिनेंस जिंदा रहेगा, ऑर्डिनेंस रहेगा। असेंबली तहलील हो जाए वो भाई, वो भी बता देता हूं, वो भी अब बताना थोड़ी देर बात है, लेकिन आप भाई का अभी बता देता हूं। उन्होंने कहा सर असेंबली तहलील यानी डिसॉल्व हो जाएगा, यही लफ्ज बोलते हैं ना असेंबली डिसॉल्व, तो क्या होगा? अब इसमें चार बिल, चार तरह के बिल है, चार तरह के, सुनिएगा जरा कंसेप्ट, आपने बड़ा डेप्थ वाला उठाया, सुने। उन्होंने कहा असेंबली तहलील हो जाए यानी असेंबली टूट जाए, डिसॉल्व, जैसे अच्छा अब तो चार तरह के बिल होंगे, सुनिएगा जरा। पहला बिल जो नेशनल असेंबली से ओरिजिनेट हुआ और नेशनल असेंबली में ही पेंडिंग है। दूसरा सेनेट में ओरिजिनेट हुआ, सेनेट में ही पेंडिंग है। तीसरा नेशनल असेंबली में ओरिजिनेट हुआ और अप्रूवल के बाद सेनेट में पेंडिंग है। चौथा जो सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और अप्रूवल के बाद नेशनल असेंबली में पेंडिंग है। जैसे ही नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई सारे बिल भी डिसॉल्व, सिवाय उस बिल के जो सेनेट से ओरिजिनेट हुआ और सेनेट में पेंडिंग है। जो सेनेट से ओरिजिनेट हुआ सेनेट में, देखिए जो सेनेट से ओरिजिनेट हुआ नेशनल असेंबली में पेंडिंग है, नेशनल असेंबली डिसॉल्व तो वो बिल भी डिसॉल्व। अब जब नई नेशनल असेंबली आएगी सेनेट को दोबारा भेजना पड़ेगा, और नेशनल असेंबली से चला ओरिजिनेट अप्रूव होके सेनेट में पहुंचा, नेशनल असेंबली डिसॉल्व तो जो उसकी बैक पे अथॉरिटी थी वो भी डिसॉल्व, ये भी डिसॉल्व। हाँ जो ऐसा वर्क इन प्रोसेस बिल है सेनेट में ओरिजिनल, सेनेट में पेंडिंग अभी, वो चलता रहेगा। यानी जिस बिल को नेशनल असेंबली का हाथ लग गया ना और वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व हो गई, वो बिल भी डिसॉल्व, एक्ट डिसॉल्व नहीं, ये ऐसा ही है जैसे ऑफर का डेथ हो, ऑफर लैप्स हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट लैप्स नहीं होता, याद है कि नहीं यार, बड़ा कि नहीं बड़ा, यही बड़ा ना। अब मैं इसकी भी एक्सेप्शन पूछूंगा तो आप फिर एक दूसरे को देखना शुरू हो जाएंगे। डेथ से ऑफर लैप्स हो जाती है, लेकिन अगर ऑफरी को पता नहीं है और उसने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो वैलिड है। हाँ पर्सनल नेचर का हो तो वो तो एक्सेप्शन उधर ही खड़ी है, वो तो शाबाश ठीक है। तो जो बिल जब नेशनल असेंबली डिसॉल्व होगी तो बिल भी, जिस बिल को नेशनल असेंबली का हाथ लगा डिसॉल्व, और अगर लेकिन अगर ऑर्डिनेंस या एक्ट पास हो गया और प्रेसिडेंट की डेथ हो गई वो रहेगा उधर ही। भाई समझ आ गए कंसर्ट, क्लियर हो गया मेरे भाई, शाबाश। अब दो ये मैंने लैप्स ऑफ बिल ऑन रेजोल्यूशन बता दिया। अब लॉ मेकिंग के दो बड़े तरीके मैंने आपको, टोटल कितने थे? तीन। कौन कौन सा? नेशनल असेंबली इन सेशन, वो भी बता, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, वो भी बता दे, और मनी बिल। अब मनी बिल, मनी बिल के केस में ओरिजिनेट होगा नेशनल असेंबली में और नेशनल असेंबली के अप्रूवल के बाद प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा अप्रूवल। अच्छा इसमें एक चीज सुनिएगा, मनी बिल पता नहीं क्या, बजट हर साल जो आता है, मनी बिल के केस में नेशनल असेंबली की अप्रूवल होगी
प्रेसिडेंट की अप्रूवल होगी, सेनेट की अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, सेनेट की अप्रूवल अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन उसकी रिकमेंडेशन ले सकते हैं। यानी जो बिल आया ना, सेनेट भिजवा, बिल नेशनल असेंबली ने पास कर लिया ना, मनी बिल सेनेट को भिजवा दें, वो कोई ना कोई मशवरा देंगे, कोई ना सर ये सिगरेट के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दे आपकी मेहरबानी, ठीक है रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठा होगा। मर्जी है नेशनल असेंबली की, चाहे रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। और क्यों बोला? क्योंकि सेनेट की अप्रूवल मनी बिल के केस में रिक्वायर्ड नहीं है, और यह बिल चला जाएगा सीधा फिर प्रेसिडेंट के पास। यानी सबसे अहम चीज जो मनी बिल के केस में, वो क्या है? अप्रूवल ऑफ सेनेट इज नॉट रिक्वायर्ड। इन केस ऑफ मनी बिल अप्रूवल ऑफ सेनेट इज नॉट रिक्वायर्ड। मनी बिल इज पास्ड बाय नेशनल असेंबली एंड देन इज सेंट फॉर अप्रूवल टू प्रेसिडेंट। सेनेट की रिकमेंडेशन ली जा सकती है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है कि उसके ऊपर अमल किया जाए, ठीक है। और जैसे ही प्रेसिडेंट उसको पास कर देगा, क्या हो जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा वो, जो पहले फाइनेंस बिल होता था वो क्या बन जाएगा? फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। भाई क्लियर हो गया, ये है प्रोसेस। क्विकली रिवाइज कर ले, प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन के तीन तरीके कौन से हैं? नेशनल असेंबली इन सेशन, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, मनी बिल। नेशनल असेंबली के केस में इफ बिल इज, अब मैं वो किताब वाली लैंग्वेज, बिल इज अप्रूव्ड बाय ओरिजिनेटिंग हाउस सेंड टू अदर, इफ अदर हाउस पास इट विदाउट अमेंडमेंट सेंड टू प्रेसिडेंट, इफ प्रेसिडेंट अप्रूव इट विद इन 10 days, इफ प्रेसिडेंट डज नॉट अप्रूव विद इन 10 days ज्वाइंट सिटिंग, इफ ज्वाइंट सिटिंग अप्रूव इट प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट हैज टू साइन नाउ एक्ट। और अगर ज्वाइंट सिटिंग अप्रूव नहीं करती उधर ही फारिग। दूसरा, इफ ओरिजिनेटिंग हाउस अप्रूव्स ए बिल एंड सेंड इट टू अदर हाउस एंड अदर हाउस पासिस इट विद अमेंडमेंट, देन बिल इज सेंड बैक टू ओरिजिनेटिंग हाउस, ठीक है। इफ ओरिजिनेटिंग हाउस अप्रूव्स अमेंडमेंट, देन बिल टू प्रेसिडेंट, इफ ओरिजिनेटिंग हाउस डज नॉट अप्रूव अमेंडमेंट ज्वाइंट सिटिंग, और इफ अप्रूव्ड इन ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के बाद एक्ट, नॉट अप्रूव्ड तो वाइट पर। अच्छा फिर से तीसरा के, इफ बिल इज ओरिजिनेटिंग इन फर्स्ट हाउस एंड देन सेंड फॉर अप्रूवल टू अदर हाउस, अदर हाउस रिजेक्ट्स इट और डज नॉट पास विद इन 90 days, फिर क्या होगा? ज्वाइंट सिटिंग, और ज्वाइंट सिटिंग में अप्रूव हुआ तो प्रेसिडेंट, नहीं हुआ तो पर। क्लियर? नेक्स्ट, नेशनल असेंबली नॉट इन सेशन, प्रेसिडेंट अप्रूव कैन पास ऑर्डिनेंस, वैलिडिटी पीरियड क्या ऑर्डिनेंस का? 120 days, नेशनल असेंबली कैन एक्सटेंड फॉर फर्दर 120 days, और नेशनल असेंबली कैन डिसअप्रूव इट बिफोर 90 days, नहीं 70 मैंने मिसाल के तौर पे दिया हुआ है, ये है बेसिकली बिफोर 90 days, सॉरी बिफोर 120 days है, बिफोर 120 days अगर डिसॉल्व कर तो उधर ही खत्म हो गया। ऑर्डिनेंस पास किया प्रेसिडेंट ने, वैलिडिटी पीरियड 120 days है, 120 days के अंदर अंदर क्या करना है? नेशनल असेंबली के पास भेजना है अप्रूवल के लिए। अगर नहीं भेजा जाता 120 डेज में तो ऑन एक्सपायरी ऑफ 120 डेज खत्म, अनलेस नेशनल असेंबली एक्सटेंड कर दे, एक्सटेंड वो ठीक है एक बार, हाँ बिल्कुल वो डिस्कस हो गया, लेकिन वैसे मैंने नहीं कर। और तीसरा केस, इन केस ऑफ मनी बिल नेशनल असेंबली से पास होगा देन सेंड टू प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ सेनेट इज, रिकमेंडेशन कैन बी गिवन बट अप्रूवल ऑफ सेनेट इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मनी बिल। एग्जाम में क्वेश्चन करने से पहले ध्यान से देख लेना सेशन कौन सी पूछ रहा है, नेशनल असेंबली सेशन वाली या नॉट इन, एक लफ्ज है नॉट का फर्क, ये ना हो कि नॉट को इग्नोर करके इंटायरली डिफरेंट कर ले, और मनी बिल का केस कुछ हो रहा है। तीन आपने क्वेश्चन को पहले पढ़ के तसल्ली करके कि कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, फिर लिखना शुरू करना है। एग्रीड? चलिए ये था हमारा आज का लेक्चर, कल इंशाल्लाह फिर बाकी इजी है, डेलीगेटेड लैब्स बताया तो है, पूछा था कि चार तरह के, नेशनल असेंबली डिसॉल्व हुई तो सारे के सारे बिल डिसॉल्व हो जाएंगे सिवाय उन बिल्स के सेनेट में ओरिजिनेट हुए और सेनेट में पेंडिंग है। क्लियर? चलिए आज का लेक्चर यहां खत्म करते हैं हम, अल्लाह हाफिज़।